जौनपुर समाजवादी पार्टी द्वारा चलाई जा रही देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी पदयात्रा का 47वां दिन जगह जगह स्वागत होते हुए बटाऊ वीर चौराहे से महाराजगंज पहुंचा। पदयात्रियों को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष लाल बहादुर यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ही जनता के मुद्दों महंगाई बेरोजगारी कानून व्यवस्था के मामले उठा रहा है, लेकिन सरकार उसे अनसुना कर रही है। प्रदेश में कानून का राज नहीं है, भाजपा सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। आज आम जनता गरीब किसान नौजवान की आवाज सुनने वाला कोई नहीं। किसानों की फसल सूखा और बाढ़ से बड़े पैमाने पर बर्बाद हो गई। इधर लंबी बीमारी से बड़े पैमाने पर गायों की जान गई है। किसानों की खाद और खेती से जुड़ी वस्तुओं का इंतजाम नहीं हो पाया है। पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे अभिषेक यादव ने कहा कि बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, नौजवानों को नौकरी रोजगार का इंतजार है, लोगों की आमदनी नहीं हो रही है, नौकरी रोजगार नहीं है, बच्चे इतनी फीस कैसे दे पाएंगे। सरकार छात्रों को धमकी दे रही है। कहा कि एनसीआरबी के आंकड़ों से स्पष्ट है कि यूपी की कानून व्यवस्था सबसे खराब है। महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अपराध यूपी में हो रहा है। महिलाओं के साथ प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पीड़न अन्याय हो रहा है। लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय महासचिव राघवेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई बेरोजगारी को रोकने और कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। सरकार ने इन्वेस्टमेंट के सिर्फ सपने दिखाए, उनके लिए कोई कदम नहीं उठाया। इतने महीने बीतने के बाद अभी तक जिलों में बजट नहीं पहुंचा है, ये सरकार का क्या काम कर रही है। कहा कि समाजवादियों का भाजपा के अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध ये पदयात्रा चल रही है, ये संघर्ष सदन से सड़क तक जारी रहेगा। जनता भाजपा का हर स्तर पर मुकाबला करने के लिए तैयार है। यात्रा में मुख्य रूप से अखिलेश गुप्ता, प्रवक्ता राहुल त्रिपाठी, दीनानाथ सिंह, रमापति यादव, रामजतन प्रधान, महावीर यादव, संजय लल्लू यादव, माँ शंकर, अविनाश विद्यार्थी, राजवीर यादव, राकेश अहिर, विकास यादव, गुड्डू सोनकर, अमित ठाकुर, पंकज यादव, हर्षित, अविनाश, राजसानी, राहुल यदुवंशी, प्रेम यादव, श्याम बहादुर, लकी पाना आदि मौजूद रहे।